अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त उड़ीसा से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में एक अफसोसनाक खबर आ रही है, जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एक केस दर्ज कर दिया गया है और उनका पुतला जलाया गया है, साथ में गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। ये खबर कुछ इस तरह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में वाक़ जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक बयान दिया था कि उस मंदिर को बुद्ध सतल को तोड़कर बनाया गया है, जिसके बाद वहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी साहब के पोस्टर को भी जलाया गया है और साथ में आप पर एक मामला भी दर्ज किया गया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो बात कही थी वो इतिहास की किताबों से कही थी, हवाला देकर कही गई थी, रेफरेंस के साथ कही थी। उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी साहब पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है और नाइंसाफ़ी है।